जो डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग पे अल्काइन अर्थ मेटल और असेंडिंग पे हैलोजन मेटल। तो क्या कार्बन को याद करना आसान है कि डिसेंडिंग पे आपको क्या मिलना है? डिसेंडिंग पे आपको अल्काइन अर्थ मेटल मिल रहे हैं, मिनिमा पर ट्रांजिशन मेटल मिल रहा है, मैक्सिमा पर अल्काली मेटल मिल रहा है, और जो असेंडिंग है वहां हाइड्रोजन मिल रहा है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज इट्स इन योर ब्रेन। मेंडेलीव, इन्हीं के साथ मेंडेलीव ने भी अपना क्लासिफिकेशन दिया, और मेंडेलीव ने भी क्या माना कि जो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो पीरियाडिक फंक्शन है इसके एटॉमिक वेट से या एटॉमिक मास से। क्या है बेटा? पीरियोडिक फंक्शन, एक निश्चित समय अंतराल बाद इनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है, तो ये इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे घड़ी की सुई एक से स्टार्ट होकर 12 पे आ जाए, इसी प्रकार जब ये जाए तो अगर साइज बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है, या घट रहा है तो वैल्यू ज्यादा कम 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 कम, और फिर ज्यादा कम 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 कम, तो इसी प्रकार एक पीरियोडिसिटी मिलती है। और पीरियोडिसिटी जब मिल गई तो मेंडेलीव जान ना डालते पांचवा मेंडेलीव ने अपना लक्षण कि जो तत्वों के गुण वो उनके एटॉमिक वेट के आवर्ती फलन होते हैं, हिंदी में आवर्ती फलन होते हैं, और मेंडेलीव के समय 60 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। कितने बेटा? 60। और ये अरेंज करते गए और प्रॉपर्टीज के समानता मिलती गई। कुछ ऐसे एलिमेंट भी इनको मिले कि इनके गुणों में समानता नहीं, क्योंकि एटॉमिक वेट पहले कम वाला आना चाहिए फिर ज्यादा, लेकिन एटॉमिक वेट अगर प्रॉपर्टीज में जब बदलते हैं तो पहले कम ज्यादा वाला आ जाता है, बाद में कम वाला। ठीक है, जैसे कैलोरियम आर्डिन से पहले आ रहा था, कैलोरियम का एटॉमिक वेट 127.5 या 128 था, और आर्गन का 127। तो पहले आर्गन को आना चाहिए, फिर टेलुरियम को आना चाहिए, लेकिन टेलुरियम पहले आ रहा था, आर्गन बाद में आ रहा था, क्योंकि जब आर्गन को पहले आना कहते हैं तो प्रॉपर्टीज मिल रही थी, प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज मिल रही थी, तो इसलिए मेंडेलीव ने थोड़ा सा डेविएशन किया, जिनकी प्रॉपर्टीज में सेम प्रॉपर्टीज थी उनको आगे पीछे इन्होंने अव्यवस्थित कर दिया, लेकिन प्रॉपर्टीज में समानता दी। दूसरा चीज इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने जिनकी प्रॉपर्टीज में समानता थी उसको इन्होंने हॉरिजॉन्टल रो में रखा, हॉरिजॉन्टल कॉलम में रखा, रो में रखा, और उनको कॉलम में रखा। बाद में मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया और जिनकी प्रॉपर्टीज में समानता दी उनको वर्टिकल कॉलम में रखा। किसमें रखा? वर्टिकल कॉलम में रखा, और वर्टिकल कॉलम में रखने पर जिनकी प्रॉपर्टीज में समानता दी रखते चले गए, जिसकी समानता नहीं मिल रही थी उस स्थान को ये वैकेंट छोड़ते चले गए। टोटल मेंडेलीव ने लिथियम से हाइड्रोजन से यूरेनियम का, यूरेनियम का 94 होता, तो हाइड्रोजन से यूरेनियम के बीच
90 एलिमेंट का थ्योरी क्लासिफिकेशन अपना दिया और इनके प्रॉपर्टीज में समानता नहीं थी, उनको देखकर स्थान के रूप में छोड़ दिया। तमाम ऐसे तत्व थे जिनके एटॉमिक वेट को इन्होंने करेक्ट किया, एटॉमिक वेट को करेक्ट किया और एटॉमिक वेट को करेक्ट किया प्रॉपर्टी के आधार पर इसकी प्रॉपर्टी आ रही थी इसके एटॉमिक वेट मिलने का। उन्होंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके पाया कि एटॉमिक वेट में कुछ गड़बड़ी थी और इसका एटॉमिक वेट एक। फिर आपके आ गए मोज़ले, मोज़ले एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अंडर रूट न्यू, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, एफ आर ई क्यू यू ई एन सी वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे बाउंड की स्टडी कर रहे थे एटम, तो इन एटम के साथ इंटरेक्शन करके फ्रीक्वेंसी की स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जब हम एटॉमिक नंबर लेते हैं, एटॉमिक नंबर लेते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है और इन्होंने एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट किया इन्हें मॉसले और इन्होंने बताया कि जो तत्वों के गुण है पिचका और गेंद का जो प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे ना कि एटॉमिक वेट। और जब एटॉमिक वेट के आधार पर जिन्होंने मेंडेलीव की पीरियाडिक टेबल को मॉडिफाई किया गया तो उसे मॉडर्न मेंडेलीव पीरियाडिक ला या पीरियाडिक टेबल कहते हैं और केवल मेंडेलीव का जो पीरियाडिक ला था उसमें एटॉमिक वेट के स्थान पर एटॉमिक नंबर डाल दिया, क्या कर दिया जाता एटॉमिक नंबर और उस पीरियाडिक टेबल को कहा गया मॉडर्न मेंडेलीव पीरियाडिक टेबल और उस ला को कहा गया मोज़ले ला ऑफ पीरियोडिसिटी, मोज़ले ला ऑफ पीरियोडिसिटी। तो ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन को कवर दिया गया उसने केवल थोड़ा सा अंतर कर दिया एटॉमिक मास या स्थान पर एटॉमिक नंबर कर दिया है, प्रॉपर्टीज का दिया गया पिचकल और केंकर प्रॉपर्टीज, पिचकल और केंकर प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियाडिक फंक्शन थी जिसकी एटॉमिक वेट थी। विलियम मेंडेलीव ने कहा केवल पिचकल प्रॉपर्टीज को किसने कहा, लूथर मेयर ने, लूथर मेयर ने यह पिचकल प्रॉपर्टीज ने कहा और मेंडेलीव ने पिचकल और केंकर दोनों प्रॉपर्टीज को इन्होंने माना कि तत्वों के जो प्रॉपर्टी दबाव ध्यान सुनिए ना केवल थोड़ा सा अंतर है। लूथर मेयर ने पिचकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया और मेंडेलीव ने पिचकल और केंकर दोनों प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया और मोज़ले ने केवल थोड़ा सा अंतर किया एक्सरे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। उन्होंने पाया कि जब अंडर रूट न्यू और उसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन होती है और ये बताती है कि जो तत्वों का जो गुण है वो उसके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होता है ना कि एटॉमिक मास से या वेट। क्लियर है ये मोज़ले, मोज़ले के बाद इसका क्लासिफिकेशन आई मोज़ले के बाद आया बोर का क्लासिफिकेशन और वो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन है और हम आप सभी जानते हैं जब हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल या सबसे एडवांस पीरियडिक टेबल के बारे में हम देखते हैं तो हम ये बातें हैं कि ग्रुप में क्यों रखा गया, क्यों रखा गया है आइए देखें। एक सौ अठारह एलिमेंट क्यों है बेटा, एक सौ अठारह एलिमेंट क्यों, जिस दिन एक सौ उन्नीसवा एलिमेंट आ जाएगा इस क्रियाटिव टेबल का रूप बदल जाएगा।
एक्स और थारा एलिमेंट्स क्यों है? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है, एटॉमिक कंफिगरेशन पढ़ाया गया है आपको। जो आवाज नहीं, जो मार रही आवाज नहीं बेटा, ये सेकंड डे, ये आपका थर्ड डे, ये आपका फोर्थ डे, सुनते चलिए, फिफ्थ डे, ये आपका सिक्स्थ डे, ये आपका सेवेंथ डे और ये आपका एट ग्रुप में तीन, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में समानता है। अब फिर ये आपका फर्स्ट डे आ गया, ये आपका सेकेंड बी आ गया, सेकेंड बी के बाद ये आपका थर्ड डे, आवाज नहीं बेटा, ये आपका फोर्थ डे, ये आपका फिफ्थ डे, ये आपका सिक्स्थ डे, फिर ये आपका सेवेंथ है और ये आपका हो गया जीरो। हाँ ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, अभी क्लियर हो गया, एक मिनट हमको बोलने का मौका दीजिए, फिर अभी क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा यहाँ देखिए, हाइड्रोजन यहाँ जी दिया, यहाँ निया, यहाँ आर्गन, यहाँ क्रिप्टा, यहाँ जीना, यहाँ रेडा और यहाँ आपका ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट मेन में, और यहाँ आपका एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और फिर यहाँ थर्ड में भी ये आपके आठ ही रहते, ये जो थर्ड है इसमें भी आपके आठ ही रहते। यहाँ हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम,
किया ये ट्रांस किया और ये सेकंड है ये किया पहले किया माइनस किया प्लस किया इधर आ जाए बोरा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फैटी क्या सीएल क्या होगा बेटा हाँ सॉरी क्लोरीन क्लोरीन यहाँ सल्फर यहाँ फास्फोरस यहाँ कार्बन के बाद सिलिकॉन यहाँ एल्युमिनियम और बेटा ये देखिए अगर आप देखेंगे तो 1s और 2s 2p फिर 3s 3p 3d 4 से हमें 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f पहले में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दो इसलिए पहले पीरियड में केवल दो ही एलिमेंट है 1s 1 और 1s 2 इसलिए पहले पीरियड में दो एलिमेंट इसलिए हैं कि पहले सेल में केवल s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जब आप s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो 1s 1 और ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है 1s 2 ये हीलियम को रिप्रेजेंट करता है दूसरे में देखिए 2 और 6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए 8 एलिमेंट हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 2 हो गए और फिर 8 हो गए तीसरे की बात की जाए तो तीसरे में बेटा 3p के बाद 4s होगा ऐसा क्यों होता है तो जैसे आपने जाना कि 4s की एनर्जी कम है और 3d की ज्यादा है कैसे आपने जाना अबाउट का क्या होता है तो हम कह रहे हैं कि कैसे आपने जाना कि 4s की एनर्जी कम है 3d की ज्यादा है What happens? Yes. Explain why 4s orbital has lower energy than 3d अबाउट बेसिस तो कैसे आपने जाना कोई बेसिस होगा आपका बेसिस मिलता है वेरी गुड सरप्लस अबाउट बेसिस ये बताता है कि जिसका एन कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी लेकिन इन्हीं दो ऑर्बिटल के लिए यदि एन का मान सेम हो जाए तो हम एन प्लस एल देखेंगे क्या देखेंगे n प्लस m s n प्लस m का मान जिसके लिए कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा अब 3d देखो 3d और 4s आप जानते हो s p d f और l बराबर इसके लिए 0 इसके लिए 1 इसके लिए 2 इसके लिए 3 l का मान 0 क्यों है P का मान 1 क्यों है T का मान 2 क्यों है F का मान 3 क्यों है ये घर पर देखिएगा क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जा चुका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आपको पढ़ाया जा चुका तो 3D में तो 3 प्लस D का होता है 2 तो ये हो गया 5 और 4 का 0 तो ये हो गया 4 तो 4 कम है लोअर है कि 5 4 इसलिए 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा
इसमें जाएगा और यस में, इसलिए 3d ऑर्बिटल एज सच रह जाएगा, इसलिए तीसरे पीरियड में भी एक ही है, तीसरे पीरियड में एक। चौथे में आएंगे तो 18 हो गए, चौथे में आएंगे तो कितना हो जाएगा 18, ये 18 है गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर ये भी 18, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ये 4f है, ये 5f है, क्यों ये 4f है, 6 पीरियड से 4f क्यों मिल रहा है और 7 पीरियड से 5f क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप n, अगर s की बात करें तो 1 से 2, p की बात करें तो n s 1 से 2 p, p में n p में 1 to 6 होता है, n d में 1 से 10 होता है, n f में 1 से 14 होता है, लेकिन जब हम d की बात करेंगे तो हमेशा हम बात करेंगे n माइनस वन डी, n माइनस वन डी की बात करते हैं, करते हैं कि नहीं, यहाँ d क्या हो, जब यहाँ पे दो अवकल हो जाएंगे तब ये d में जाए, 1 से 10, तो d ट्रांजिशन मेथड के लिए जो जनरल अवकलनीय कंप्यूटेशन होता है वो n माइनस एन एस होता है, एन माइनस वन डी 1 to 10 और एन एस 1 से 2 होता है, 1 से 2, कॉपर के केस में 1 होता है, क्रोमियम के केस में 1 होता है, बाकी केस में 2 होता है ना बेटा, इसीलिए कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन को पूछा जाता है, जो कि ओल्ड रूल के माध्यम से हम बताते हैं कि एग्जैक्टली फुल वेट या एग्जैक्टली हाफ वेट एटॉमिक कंप्यूटर साथ मोर स्टेबल देन रेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ द एटम। तो यहाँ पे बेटा 14-14 एलिमेंट की दो सीरीज में, कितने एलिमेंट की, 14-14 की दो मिली, और ये 14 एलिमेंट पहले माने जाते थे कि 14 पावर के 80 एलिमेंट, फिर इनको सेपरेट किया गया और सेपरेट करने पर पाया गया कि ये 14 एलिमेंट है एंड उनकी प्रॉपर्टी सेम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13, और ये यहाँ और लेने आगे 14, तो ये हो गया 14, ये 4m, ये 5m और ये लेंथेनम और ये एसी है, तो ये लेंथेनाइड है, ये क्योंकि जब f की बात होगी तो n माइनस 2f होगा, n माइनस 2f होगा, n माइनस 1d होगा, तो 6 में से यहाँ बराबर 6 रखे तो 6 माइनस 2 बराबर 4f, और 7 में अगर 7 माइनस 2 तो ये 5f, ये तो 4f सीरीज 5f सीरीज और ये 14 है, 18 और 14 कितना हो गया बेटा, 18 और 14 32, इसलिए 32 और इसमें भी 32, टोटल जोड़ लो कितना हो गया, 118 एलिमेंट है, इसलिए बेटा 118 एलिमेंट
तीसरे में 18 होना चाहिए, लेकिन 18 क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 4s में एनर्जी 3d से कम है, इसलिए पहले 3d में 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, इसलिए पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। और लैंथेनम से शुरुआत होता है तो लैंथेनम लैंथेनाइड, और एक्टेनम से शुरुआत होता है एक्टेनम। तो ये लैंथेनाइड एक्टेनाइड, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, बी एल ओ सी के एफ ब्लॉक एलिमेंट, ई एन ई एम ई एन टी। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? संसार के वो सारे एलिमेंट, संसार के वो सारे तत्व जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में पिन होता है, ऐसे तत्व को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन n माइनस वन d ऑर्बिटल में जाए, यहां कह सकते हैं f ऑर्बिटल कह दिए, यहां हम कहेंगे कि p ऑर्बिटल, जनरली p ऑर्बिटल कहते हैं, लेकिन वो होता है n माइनस वन d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जाए तो हम ऐसे शब्द को d ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। d ब्लॉक एलिमेंट, d b या तो c के ब्लॉक, e या d के ब्लॉक, d या c। अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट, पी एल ई एम ई एन टी। और ये एस ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि लास्ट या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट। इनको डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन, ई एल ई एम ई एन टी। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में ट्रांजिट होती है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट में ट्रांजिशन। इस यहां लैंथेनम के बाद ये 14 एलिमेंट आएंगे तब ये एलिमेंट आएगा, और एक्टेनम के बाद ये 14 एलिमेंट आएंगे, उसके बाद से ये 14 एलिमेंट हो जाएंगे तब यहां से नंबरिंग शुरू होगी, और ये आपका 118वां तत्व है। 118वां तत्व तो ये है ना कि ये। तो जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसको एस ब्लॉक बी ब्लॉक ई ब्लॉक एलिमेंट में क्लासिफाई किया गया है, उसको ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में क्लासिफाई किया है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एयर अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से इनको 14 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ये एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप है, एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप फैमिली, एलिमेंट ऑफ फोर्थ ग्रुप फैमिली, एलिमेंट ऑफ फिफ्थ ग्रुप फैमिली, एलिमेंट ऑफ सिक्स्थ ग्रुप फैमिली, एलिमेंट ऑफ सेवंथ ग्रुप फैमिली, एलिमेंट ऑफ एट्थ ग्रुप फैमिली, एलिमेंट ऑफ नाइन्थ ग्रुप फैमिली, एलिमेंट ऑफ टेंथ ग्रुप फैमिली, एलिमेंट ऑफ इलेवंथ ग्रुप फैमिली, एलिमेंट ऑफ ट्वेल्थ ग्रुप फैमिली, ऐसे एलिमेंट ऑफ 13 ग्रुप फैमिली या 13 ग्रुप एलिमेंट्स। अब जब आप आगे पढ़ोगे तो 13 to 18 जो है ये 3 ब्लॉक एलिमेंट है, 13 to 15 3 ब्लॉक एलिमेंट है,
थ्री टू ट्वेल्व ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और वन से टू ये आपका एस ब्लॉक आप जानते हो ये पीरियड है ये आपका पीरियड सेवन पीरियड ये आपका पीरियड पीरियड की संख्या सेवन ये आपका पीरियड पी आर आई ओ ये आपका पीरियड और ये जो बेटा इस प्रकार आप देख रहे हो वन टू एटीन वन टू एटीन ये आपका ग्रुप जी आर ओ यू और ग्रुप अगर हम देखें तो किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट है उनका जो बैलेंसी सेल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम कैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन में एन एस वन लिथियम में एन एस वन सोडियम में एन एस वन पोटासियम में एन एस वन रुबिडियम में NS1, सीजियम में NS1 और फ्रांसियम में NS1 बस यहाँ n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7 यहाँ 1S1 यहाँ लास्ट में रहेगा 2S1 यहाँ 3S1 यहाँ 4S1 यहाँ 5S1 यहाँ 6S1 क्या सेवन है इसका तो इनमें जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि एलिमेंट की जो पिछला और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आउटर मोस्ट सेल या वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि इनके वैलेंसी सेल में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है इसलिए इस परिवार की जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो मिलती जुलती है इसलिए इनको एक परिवार में रखा गया अब सेवन ग्रुप एलिमेंट की बात की जाए यहाँ सेवन ग्रुप तो फ्लोरीन का देखो 1s2 2s2 और 2p कितना 5 है कि नहीं तो ये आपका इनर सेल और ये आपका वैलेंसी सेल वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा तो यहाँ पे यहाँ 3s2 और 3p5 होगा फिर 4s2 4p5 होगा फिर 6s2 6p5 होगा फिर 7s2 और 7p5 होगा टोटल आप देखोगे तो इनके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी 7 होने की वजह से 7 ग्रुप 6 होने की वजह से 6 ग्रुप 5 होने की वजह से 5th ग्रुप 4 होने की वजह से 4th ग्रुप 3 होने की वजह से 3 ग्रुप यदि इलेक्ट्रॉन ऐसा अभिकर्ण में होती है अभिकर्ण में जाता है तो सब ग्रुप 1 और यदि इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन या जितने सीधी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है तो सब ग्रुप पी तो सब ग्रुप ए और बी में तो कैसे क्लासिफाई किया गया जब इलेक्ट्रॉन एस और पी ऑर्बिटल में जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन तो वो सब ग्रुप ए होगा और अगर डी में जाएगा तो सब ग्रुप तो हमने आपको एस पी डी एफ में क्लासिफाई कर दिया हमने आपको 1 to 18 ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर केमिस्ट्री के आधार पर आईयूपीएसी कॉमन लेजर के आधार पे 1 to 18 में बता दिया हमने ये भी बता दिया कि पहले ग्रुप में केवल दो ही एलिमेंट क्यों है दूसरे में 8 क्यों है तीसरे में 8 क्यों है चौथे में 18 क्यों है पांचवे में 18 छठे में 32 सातवें में 32 ऐसा क्यों है अगर कोई नया एलिमेंट पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो इस पीरियाडिक टेबल का सबूत बचेगा जब तक ऐसे नए तथ्य की खोज नहीं हो रही है तब तक इस फॉर्म में हम पढ़ रहे तो ये है पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इस पीरियाडिक टेबल के फॉर्म में एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाए और उनके और उसके कंपाउंड की प्रॉपर्टी
पीस को सर्वतम वय से शरीर का किया गया है, यही कहलाता है क्रियाडिक क्लास से विशेषण। आप एक क्वेश्चन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी है? फास्फोरस की कितनी है? बैलेंसी है कि व्हाट इज बैलेंसी? बैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट या एन एटम इज नोन एज बैलेंसिंग। फास्फोरस की बैलेंसी ये 3 और 5 दोनों होती है, PCl3 में 3 है और PCl5 में 5। तो ये जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उतने इनकी वैलेंसी हो। सल्फर की वैलेंसी आप देखिए, तो सल्फर अगर H2S में देखा जाए तो सल्फर की वैलेंसी 2 है, वैलेंसी 2 है। SO2 देखा जाए तो सल्फर की वैलेंसी 4 है। H2SO4 देखा जाए, H2SO4 देखा जाए तो सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1। तो ये अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग वैलेंसी इसलिए होती है क्योंकि अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सके, क्योंकि जिनके पास भी ऑर्बिटल है वो वैलेबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। वैलेबल वैलेंसी जनरली हम कहते हैं कि डी ऑर्बिटल शो। अच्छा, Na+ की वैलेंसी कितनी है? Na+ की वैलेंसी कितनी? क्वेश्चन आ गया Na+ की वैलेंसी और लिखा गया 1+1+2+3, क्या सही? 1+1+2+3 Na+ की वैलेंसी 1 है। Na का ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी ना प्लस में होती है ना माइनस में होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में, माइनस में, जीरो में, फ्रैक्शन में हो सकता है। थोड़ा अंतर है बेटा, क्योंकि Na की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? NaCl हो गया, NaH हो गया, ये माइनस ये प्लस, ए प्लस ए माइनस। कंबाइनिंग कैपेसिटी को बैलेंसी कहते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो बदल सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव नेगेटिव। हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव जरूर करेंगे, प्लस वन माइनस वन। सीएल की बात करें तो सीएल की बैलेंसी तो 1 है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 1 है। HOCl, Cl की वैलेंसी 1, H की वैलेंसी 1, O की वैलेंसी 2, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो H का प्लस 1 और Cl का प्लस 1 और ऑक्सीजन का माइनस 2। क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1, वैलेंस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 2, लेकिन वैलेंसी पूछे तो इसकी प्लस 1, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। तो स्टूडेंट कहते हैं कि हमने सब सही कर दिया, हम सब सही कर दिया है। अच्छा, इसमें बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है?
अच्छा बेटा, सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? माइनस टू सही है ना? हाँ माइनस टू। अच्छा एच ओ एच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना माइनस? आप दिमाग देखिए क्या होता है, माइनस वन पर ऑक्साइड में माइनस वन। ये बताइए पीरियाडिक क्लासिफिकेशन आ गया। मैं एक चीज सजेस्ट करता हूँ, मैं सच्चा हूँ। एक समय था जब मैं एमएससी कर रहा था तो 118 पद है, ये मुझे याद है। क्यों याद है? मैं पीरियाडिक टेबल जहाँ मैं सोता था वहाँ पीरियाडिक टेबल अपने हाथ से बना के और सुबह उठ के पढ़ता, क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्वेक्शन और एक्टिनाइट कॉन्वेक्शन के बारे में पूछा जाता था। इनकी एटॉमिक रेडियाई सुपुर्द ही चली जाती है, तो एटॉमिक रेडियाई जो सुपुर्द होती है उसी को लैंथेनाइट कॉन्वेक्शन कहते हैं। तो उसमें इनके वैल्यू को पुट किया गया, तो वैल्यू को पुट करने पर ही वो ग्राफ बनता। तो ग्राफ को याद करना बहुत कठिन है, लेकिन ये 14 एलिमेंट हमको याद थे, ये 14 एलिमेंट थे याद, क्योंकि एक बार में होगा जैसे हनुमान चालीसा पूरा याद हो। कितने शब्द है हनुमान चालीसा? शब्दों की रिटर्न देखिए कि कोई शब्द ना जो शुरुआत में उसको लास्ट में नहीं बोल सकते, उस रिटर्न के द्वारा, उस लाइन के द्वारा, उस सीक्वेंस के हिसाब से याद कर सकते हो। तो अगर एक महीना इसको देखोगे तो पूरी पीरियाडिक टेबल, और पूरी पीरियाडिक टेबल या तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं जब नॉर्मल, जहां एक नॉर्मल हो गया, जो रूल को वायलेट कर गया, वही चीज कंपनी से पूछा जाएगा। हमने आपने नहीं देखा तो सबने लिखा हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम ट्रिटियम सीजियम फ्रांसियम और इधर हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टन जिनन होगा। तो ग्रुप वाइज याद करना इजी है, और कहीं कहीं पे हमने यहाँ लिथियम बेरिलियम बोरान का नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और बोरान एल्यूमिनियम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी टिन ऑक्सीजन सल्फर सिलिनियम प्लैटिनियम पोलोनियम। तो याद था, और जब स्पीड में बोलता हूँ तो याद आ जाता है। और ऐसे भी तो केमिस्ट्री अगर आपको सीखनी है, आज भी मैं जहाँ होता हूँ उसके जस्ट सामने पीरियाडिक टेबल है, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो बेटा अगर आपको पढ़ना तो किताबें आपसे बात, किताबें आपसे कलाम साहब के अंदर ये पढ़ती थी कि जो पेज उनको तो खोलना रहता था, वो जहां पर करते थे वही पेज खुल जाता, जबकि वो फोल्ड नहीं करते। जैसे मैं पढ़ा की किताबों पर वो आपसे बोल दिया था, मेरी जितनी किताबें पाओगे उस पर लिखा हुआ और अग्नि की उड़ान किताब आप जरूर लीजिए और इग्नेटेड माइंड मिक्स ऑफ फायर और इग्नेटेड माइंड इग्नाइटेड माइंड ये किताब आप जरूर पढ़िए। कभी निराश नहीं, हमारा दिन है, हमारी ब्रेन एक टाइम
स्थिति अलग है, लेकिन ये मन का प्रभु है। आप जैसा व्यायाम बनाना चाहो वैसे बना, कोई चीज कठिन नहीं है, हर चीज सरल है। कठिन हम आप बना लीजिए, उसी हिसाब से तैयार कीजिए। आप जब के क्वेश्चन को मैक्सिमम सॉल्व कीजिए, और जब आप जब के क्वेश्चन आप मैक्सिमम सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होता चला जाएगा। कितना हुआ सब?